गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का बाज़ार दो दिन के बाद कैसा रहेगा? आज का बाज़ार खुलते ही देगा आप लोगों को बहुत ही बड़ा झटका। जी हाँ, जानने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम पोस्ट मार्केट को एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 के अंदर गिरावट देखने को मिला था, वो मिला था 0.14% से गिरावट देखने को मिला। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो 0.98% से गिरावट देखने को मिला। मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो आज के दिन क्या है, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आज के दिन मिड कैप निफ्टी के अंदर आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, फ्राइडे के दिन देख सकते हैं 0.54% से क्या देखने को मिला था, तेज़ी देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.31% से गिरावट देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 1% से हमें क्या देखने को मिला, गिरावट देखने को मिला। वही हम यहाँ पर डाउजंस की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.33% से तेज़ी देखने को मिला। नैस्डैक की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.61% से क्या देखने को मिला, गिरावट देखने को मिला। तो देखिए टोटली यहाँ पर क्या शो हो रहा है, जो आज के दिन आप लोगों को दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए पहले हम यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट को लगा दिया है और यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर चार्ट को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ तभी हमें यहाँ पर लेवल्स भी क्लियर दिखाई देगी। और आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर दोगे तो आज के दिन जो जैकपॉट मिलने वाला है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो देखिए निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 26,232 का लेवल है, जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, भाई मेरे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, अगर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक को समझते हैं। अगर आज के दिन निफ्टी 50, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है गैप अप ओपनिंग लेने की, आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, यानी कि यहाँ पर जो कैंडल बनेगा 5 मिनट का बियरिश कैंडल बनेगा। और लॉजिक क्या होगा यहाँ पर वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहां तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है 26,175 का। यहां पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं। लॉजिक क्या है, अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग सेफली पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई बनेगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 26,277 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पर तीसरा कंडीशन क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट 45 मिनट तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, आप लोगों को भाई मेरे यहाँ पर वेट करना चाहिए। फ्लैट खुलने के बाद बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, पहला कंडीशन समझ ले। यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, वो चाहे बियरिश कैंडल हो वो चाहे बुलिश कैंडल हो, एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है और दूसरा टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट एक घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद रेंज ब्रेकआउट कर देती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर देती है। आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 26,100 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर एंट्री बनेगा कॉल का, वो कैसे बनेगा लॉजिक यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए जो बायर का साइकोलॉजी होगा आज के दिन क्या होगा, गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर पुट की एंट्री बनाएंगे जितने भी बायर हैं, जो नए बिगिनर हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब वो पुट की एंट्री बनाएंगे तो यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि बाउंस बैक देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख लेना, क्योंकि जो यहाँ पर छूट गए हैं, जो यहाँ पर छूट गए हैं वो यहाँ पर फ्रेश बायर यहाँ पर एक्टिव होंगे, यानी कि कॉल बाई करने के लिए, ना कि यहाँ पर पुट बाई करने के लिए, ध्यान में रखना। तो यहाँ से आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनाना है, जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है 26,175 का, और दूसरा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल होगा 26,232 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं कॉल साइड के तरफ। अब चलिए बात कर लेते हैं क्या आज के दिन आप लोगों को झटका देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, खास करके उन लोगों के लिए मैं झटका देने जा रहा हूँ जो लोग फ्राइडे के दिन पुट को होल्ड किए होंगे। जी हाँ, मेरे टेलीग्राम के ऊपर भी कई सारे लोगों का मैसेज आया था जो मैंने पुट होल्ड किया है। भाई मेरे एक बात मुझे ये बताओ, जब बाइंग आएगी तो सेलिंग तो आना ही आना है, तो आप लोग यहाँ पर इतना जल्दबाजी क्यों कर लेते हो? क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो, वीडियो को स्किप कर देते हो, तो स्किप करने से आप लोगों का मार्केट के अंदर लॉस ही होगा, ना कि आप लोगों का प्रॉफिट होगा। तो जो लोग फ्राइडे के दिन पुट को होल्ड किए होंगे उनका मानना होगा जो आज के दिन मार्केट गैप डाउन खुलेगी, यानी कि निफ्टी 50 गैप डाउन खुलेगी। लेकिन भाई मेरे देखिए, होने के लिए मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 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 जो मेरा व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज के दिन ज़्यादातर चांस होगा गैप अप ओपनिंग लेने का, जिसकी एक्यूरेसी है 70% और यहाँ पर 50% एक्यूरेसी है फ्लैट ओपनिंग लेने की, और यहाँ पर 20% है गैप डाउन ओपनिंग लेने की। तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही बड़ा झटका देखने को मिल सकता है जो लोग फ्राइडे के दिन पुट को होल्ड किए हैं। अब चलिए, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सिनेरियो निकल के आ रही है आज के दिन ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है। पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं आज के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर
ट्रेड करने के लिए। तो देखिए निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 54,039 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है जहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं जो कि लेवल होगा 54,183 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना SL को ट्रेल भी कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है और जिसकी एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 70% एक्यूरेसी होगा। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद पहले यहाँ पर लॉजिक समझ लेते हैं, लॉजिक क्या होगी। अगर आज के दिन बैंक निफ्टी लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेगी तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, जो लोग फ्राइडे के दिन कॉल को होल्ड किए होंगे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जो लोग फ्राइडे के दिन कॉल को बाय किए होंगे 100 रुपीज़ पर और उनका कॉल आज के दिन 150 का हो जाएगा तो आप लोग यहां पर प्रॉफिट को बुक करोगे या फिर छोड़ दोगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, आज के दिन प्रॉफिट को बुक करोगे। तो यहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा वो बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहां तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है 53,834 का। यहां पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना SL को ट्रेल भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, जल्दबाजी करना चाहिए या तो फिर यहाँ पर वेट करना चाहिए। फ्लैट खुलने के बाद 30 मिनट तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद रेंज ब्रेकआउट कर देती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर देती है। आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया वाला प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल सकता है आज के दिन। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 53,700 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है पहले इसे समझ लेते हैं। अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ से हमें फ्रेश बायर एक्टिव होते को दिख सकते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बनेगा कॉल का एंट्री। कॉल का एंट्री कैसे बनेगा, जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है 53,834 का, और दूसरा टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 54,039 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर कॉल साइड की तरफ। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल के नीचे 45 मिनट तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है। आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया वाला प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।